चलो अब हम चलते हैं। अच्छा दीदी, खुश रहो, मंगलमय हो तेरी यात्रा। अच्छा जी, चलो भाई गिफ्ट उठाओ जल्दी जल्दी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल संजना का अंगना। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं मोदी नगर। आज है 7 मार्च। आज जो मेरी बड़ी बहन है उसकी 25th एनिवर्सरी है, तो आज वहाँ पे पार्टी है। तो हम बहुत एक्साइटेड है उस चीज के लिए, क्योंकि जब शादी हुई थी तब तो हमने इतना एंजॉय नहीं किया था, लेकिन अब हम मतलब एक अलग सी स्थिति है कि कितना एंजॉय करेंगे। सारी बहनें हम वहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं और खूब एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। और जैसे भी मास्क लगा के ना बोलना नहीं जाता, सांस ही नहीं आता, लेकिन मास्क लगाना, खाना पीना मत खाओ, लेकिन मास्क इतना जरूरी है आज के टाइम में कि मास्क जरूर लगाओ। और मेरी बहन मोदी नगर के जो एक गांव है फफराना, उसमें रहती है। वो बिल्कुल मोदी नगर से सटा हुआ ही है, थोड़ा सा ही अंदर जाके है। तो अभी हम चल दिए हैं और मैंने अपनी एक बहन को भी फोन कर दिया है, तो वो भी मुझे रास्ते में ही मिलेगी। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, 2 मार्च की हमारी बेटी की, जेठ की बेटी की शादी थी, तब से हम कहीं भी नहीं गए। आज ये जो फंक्शन हुआ है ये भी शादी का ही हो रहा है, एक साल बाद। तो थोड़ा सा मतलब और ज्यादा एक्साइटमेंट है कि एक साल बाद ही हम कहीं जाने को मिल रहा है। ये मास्क लगा के ना सांस नहीं आता, और ना ही मेरे से बोला जाता। तो अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में बताती रहूंगी, है ना। ये देखिए दोस्तों, ये लोनी का एरिया है और ये हनुमान जी की इतनी बड़ी तस्वीर है यहाँ। इतनी भीड़ रहती है हमारे इधर, ये देखिए। दोस्तों ये देखिए, ये लोनी का रेलवे फ्लाईओवर। ये रेलवे फ्लाईओवर, इसके नीचे से ट्रेन जाती है। ये फ्लाईओवर अभी बना है, जब पहले नहीं बना था तो काफी मतलब इतना लंबा जाम लग जाता था। जब ट्रेन आती थी तो बहुत ही परेशानी होती थी, और अब ये बन गया है तो काफी। ये देखिए, ये है रेलवे लाइन इधर। और कैसे दिखाऊंगी, इतना ही दिखेगा यहाँ से। दिल्ली को तो क्या कहते हैं, पुलों की नगरी बोलते हैं ज्यादातर। इतने पुल हैं दिल्ली में कि दिल्ली मतलब नीचे से भी इतने वो जा रहे हैं रास्ते, और ऊपर से भी, क्योंकि दिल्ली खाली हो चुकी है, ऊपर फ्लाईओवर और नीचे भी बने हुए हैं। नीचे ट्रेन वगैरह मेट्रो वगैरह भी चली हुई है। खाली मतलब खोखली सी जिसको कहते हैं, यानी कि इतने फ्लाईओवर ऊपर हैं और इतने ही नीचे बने हुए हैं उसमें। शांति से थोड़े बैठ सके भाई, आदि आराम से बैठ जाओ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात
बताती हूँ अपनी। जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो मुझे 2-3 दिन पहले से नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा रियल में ही है क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होता है कि जाना है ये सामान रह जाएगा वो सामान रह जाएगा, और चाहे मैं कितना ही उसको अच्छे से रख लूँ लेकिन रह ही जाता है कुछ ना कुछ। आज भी मुझे दवाई लानी थी मम्मी की, वो घर पे ही छोड़ दी, और कल से ही सोच रही थी रखूंगी दवाई लेकिन छोड़ दिया। मतलब 2-3 दिन से पहले तैयारी भी शुरू कर देती हूँ कहीं भी जाने की, नींद भी नहीं आती और सामान भी पूरा नहीं रखा जाता, कुछ ना कुछ रह जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे घर में तो पता है ये कहते हैं कि भैया संजना की तो कढ़ाई चढ़ जाती है, अगर बस कहीं भी जाने को मिले कह दो कि वहाँ जाना है, बस 2-3 दिन तो ऐसी तैयारी करने में निकल जाते हैं। और भाई एक्स्ट्रा मैं मतलब सोच के ही रह जाती हूँ। दोस्तों ये देखिए हम जाएंगे पाइपलाइन से, वैसे गाड़ी में अगर गाने वाने सुनो तो बड़ा आनंद आता है जाने में ना, सफर एक सुहावना सा हो जाता है। और वैसे मुझे भी गाना गाने का बहुत शौक है। किसी दिन मैं आपको ना एक भजन गा के सुनाऊंगी, तब आप बताना कि हाँ कैसा गाती है। वैसे इतना अच्छा तो नहीं गाती लेकिन हाँ गा लेती हूँ। दोस्तों ये देखिए अभी दिखाती हूँ। ये देखिए पाइपलाइन, ये ब्लू कलर का रखा है, इस पे अच्छा लगता है जो देखने में। ये मुरादनगर से आती है पाइपलाइन, दिल्ली के लिए पानी आता है इसमें। तो इसमें बहुत सारा पानी हुआ करता था लेकिन अब कम हो गया है। दोस्तों मैंने आपको दिखाया अभी पुल, और अभी बच्चों ने रोटी की मांग किया कि रास्ते में मतलब कुछ खाते पीते जाना ना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने बच्चों को फ्रूटी दिलवाई है क्योंकि अगर वैसे दिलवाते ना तो बच्चे रास्ते में ही अपने कपड़े खराब कर लेते, इसलिए मैंने ये वाले दिलवाए हैं। ये देखिए अच्छा लगता है रास्ते में पीना। हाँ भी पी लीजिए। अच्छा दोस्तों आपको भी अच्छा लगता है रास्ते में कुछ खाते पीते गुनगुनाते हुए चले जाना, है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आपसे भी गाड़ी चलानी आती है? मुझे नहीं आती लेकिन मैं इनको बोल रही थी कि मुझे भी गाड़ी चलाना सिखा दो, तो कह रहे हैं कि अभी जब फुर्सत लगेगी तब सिखाऊंगा। मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगता है खुद ड्राइव करना, खुद गाड़ी चलाना, तो मैं कोशिश करूंगी कि आ जाए मुझे गाड़ी चलानी। और मुझे लड़कियां ना बाइक पे बहुत अच्छी लगती हैं, जो बच्ची लड़कियां बाइक चलाती हैं। मैं राशि को बोल रही थी कब से राशि बाइक चलाना सीख ले, तो इसने सीखा ही नहीं है। ये कहते हैं कि मैं वैसी जैसे वैसी बाइक होती है ना पैशन वगैरह ये चलाऊंगी, लेकिन हमारे पास बुलेट है और बुलेट थोड़ी हैवी होती है ना, और वो थोड़ी वीक है, थोड़ी कमजोर सी है, नाजुक सी, तो अच्छा
तो चलो सीख ले फटाफट बुलेट चलानी, फिर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि मेरी बेटी ने बुलेट चलानी सीख ली है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां बाइक या गाड़ी चलाती हैं या बुलेट वगैरह ये चलाती है ना, बहुत ही मतलब देख के एक अलग से ही आनंद आता है कि हाँ वाह। जब मैं चलाना सीख जाऊंगी ना गाड़ी, तो मैं आपको जरूर ड्राइव करके दिखाऊंगी कि भाई देखो मैंने आज ड्राइव करके यहाँ तक आई हूँ। आप इधर का एरिया देखिए, इतने दोस्तों इधर की रोड ये ना थोड़ी खराब तो है लेकिन हमें शॉर्ट पड़ता है, ये रोड बहुत ज्यादा चलती है और इसलिए ये जैसे ज्यादा चलती है ना तो ये टूटी फूटी हो रखी है। मतलब अच्छे भले का जो खा पी के अपने घर से चले ना तो उसका रास्ते में ही खाना पच जाए। इतनी टूटी फूटी रोड है, मैं आपको दिखाऊं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे गड्ढे है ना, जो कोई मतलब जो ठीक ठाक है ना वही ठीक ठाक जा सकता है, लेकिन अगर किसी को थोड़ी सी बैक की प्रॉब्लम है तो वो उसकी हालत खराब हो जाएगी, तो इसलिए इस रोड से मतलब कम लोग ही आते जाते हैं। मतलब जो ठीक होंगे, मतलब जो ये सोचते होंगे कि भाई शॉर्ट हो थोड़ा जल्दी पहुंच जाए तो, और मेरी बहन ने आज जल्दी बुला रखा था लेकिन हमारे तो जाने की तैयारी ऐसी होती है ना कि बस पूछो मत, आप सोच सोच के ये करना वो करना होता कुछ नहीं फिर। बहुत ही ज्यादा खराब है इधर की रोड। दोस्तों आप भी कभी ऐसी रोड पे गए हो जिसमें खाना भी हल हल के सारा पच जाए और घर जाते ही भूख लग जाए कि भाई हम तो भूखे हैं, खाना खिलाओ जल्दी से। भूख लग गया मुझे भी इसलिए मैंने ये पिया। खाना इसलिए नहीं खाते ना शाम को पार्टी। नहीं शाम को पार्टी तो है ही, लेकिन जब हम कहीं भी मतलब जाते हैं ना तो उमाया रहता है, जिसे कहते उमाया है भैया उसको वहां जाने का। उमाया में भूख नहीं लगती, खाना बना बनाया कोई भी नहीं खा गया, बस मैं ही खा के आई हूँ थोड़ा सा। ये मैंने आधी को खिलाई है एक रोटी, और बताऊं राशि ने तो रात से मतलब चाय भी नहीं पी, एक कप चाय भी पी के नहीं आई है, वो सिर्फ एक केला खाया। जब मैंने उसको सुनाया ना कि इतना क्या वो माया मौसी के घर जाने का कि खाना पीना छोड़ दिया, तो फिर एक केला खा के आई है बताओ, मतलब जाके दावत ही खाएगी। और इन्होंने भी सुबह नाश्ता किया था, बस इन्होंने भी खाना नहीं खाया, अब जाके दावत ही खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। अभी मिलेंगे हम थोड़ी देर में ना, मैं ये खत्म कर लूं अपनी। वैसे मुझे बातें करने का बहुत शौक है, रास्ते में मुझसे आराम से चुपचाप नहीं बैठा जाता, ये भी मतलब कहते रहते हैं थोड़ा कम बोल ले, लेकिन अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और जब भी ना बोल ले तो फिर क्या फायदा है ना, जितना हम बोल लेंगे जितना हंसते मुस्कुराते गाना गाते बजाते चले जाएंगे तो टाइम भी जल्दी स्पेंड हो जाएगा हमारा, है ना। वो तभी ऐसा जो रास्ता मतलब दो घंटे का या तीन घंटे का होगा, अगर कोई मेरे जैसे हो बात करने वाले तो रास्ते का पता ही नहीं चलेगा कि कब रास्ता चला गया, और दो तीन घंटे ऐसे आ जाते हैं
जब हम अपने घर जाते हैं ना तो हमारे घर जाने में मतलब जैसे अपनी सवारी हो तो 1.5-2 घंटा लग जाता है, और बाई चांस अपनी सवारी नहीं है, जैसे नहीं थी अभी तक तो हम बस से जाते थे तो 3-4 घंटे भी लग जाते थे बस से जाने में, लेकिन अब थोड़ा कम टाइम लग जाता है क्योंकि अपनी सवारी है तो हम बातें करते हंसते मुस्कुराते चले जाते हैं, और जैसे कि गाने बजा लेते हैं अपनी गाड़ी में, और जो पुराने गाने होते हैं उनको बजाती हूँ मैं ज़्यादातर, मतलब एक अलग ही आनंद आता है उसके उनके साथ गाते बजाते ही जाती हूँ मैं। ये कहते हैं फिर गाना पहले उसकी सुन ले या तू ही बजा ले। मुझे शौक है गाना गाने का, इसलिए मैं गाती चली जाती हूँ, और अभी भी बजा रखे हैं आपको थोड़ा थोड़ा, अभी भी होगी आवाज। अब मैं आपको बाहर का एरिया दिखाती हूँ थोड़ा सा, है ना। ये देखिए इधर खेत, ये देखिए गाना भी कितना अच्छा चल रहा है, एक रास्ता एक राही। ये गाना मैंने बजाया, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं गाना सुन लेती हूँ। है दोस्तों ये देखिए, ये मुरादनगर का ये राशि वाटर प्लांट, नहीं वाटर प्लांट तो है मुरादनगर का, वाटर प्लांट है, यहाँ से दिल्ली को सप्लाई होता है पानी। ये गेहूँ की फसल है जो अभी 2-3 महीने बाद नहीं कब हो जाएगी, हाँ 2 महीने बाद हो जाएगी तैयार कटने के लिए। ये उधर ईंट है, उधर बाग है आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर आम भी 2-3 महीने के बाद ही अपना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगी अब इसका, ये देखिए सोनिया विहार का रेगुलेटर है ये। यहाँ पानी की साफ सफाई होती है, और जब यहाँ पे पानी साफ हो जाता है तो उसके बाद ही ये है, इधर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इधर वहाँ पे साफ होता है पानी, और वहाँ से साफ होने के बाद ही सप्लाई होता है दिल्ली के लिए। और ये नहर है, इधर गंग नहर बोलते हैं इसको, ये गंगा विहार वाला रेगुलेटर है, ये तो दिखाई दे रहा है, दिख गया दिख गया दिख गया नहीं दिख रहा। दोस्तों अब हमें बस 5 मिनट लगेगी मोदी नगर पहुंचने में, देखना लड़के ऐसे ही मतलब सिर पे हेलमेट भी लगाना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्या। देखिए दोस्तों ये लड़का
बेचारी गवर्नमेंट चाहे कितना ही वो कर ले सेफ्टी के लिए कि भाई मास्क लगाओ हेलमेट लगाओ, लेकिन कोई भी मतलब समझने को तैयार नहीं होता कि हेलमेट कितना जरूरी है और मास्क कितना जरूरी है। कोरोना को दुनिया ने बस ऐसे ही ले लिया है। मुझे तो ज्यादातर अभी जैसे हम निकले हैं बाहर, हम मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर सभी बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं, कोई भी मास्क लगा ही नहीं रहा है। अभी हम जैसे पहुंच जाएंगे तो मैं आपको सबसे मिलाऊंगी। मेरी बहन अब मुझे यहाँ पे मिलने वाली है, जैसे ही वो मुझे मिलेगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी बताऊंगी। और बस अब पहुंचने वाले हैं दोस्तों, आगे है मेरी बहन, मैं आपको उससे मिलाना चाहती हूँ। ये देखे और अब हम अपनी और बहनों से वहीं मिलेंगे, वो सारी वहीं पे पहुंचेंगी। जब घर पहुंच जाएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है? तब तक आप भी विश्राम कीजिए और हम थोड़ा सा चलने का आनंद लेते हैं।